हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रॉम जीसी स्कूल। बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने इंग्लिश रीडर अ काइंड किंग लेसन रीड किया, बुक वर्क क्वेश्चन आंसर राइट डाउन किए। बच्चों, आज उसी से रिलेटेड हमारा ग्रामर स्किल है इंग्लिश है वर्ब। बच्चों, वर्ब मीन्स क्रिया, मीन्स डू एनी एक्शन पार्ट। अ वर्ब इज वन ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन और सेंटेंस। किसी भी क्वेश्चन या सेंटेंस, प्रश्न या वाक्य, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न और सेंटेंस मीन्स वाक्य का मेन पार्ट क्या होता है बच्चों? वर्ब, क्रिया, कि उसमें क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या बताया जा रहा है। इनफैक्ट, वास्तव में यू कैन नॉट हैव ए सेंटेंस। आप एक सेंटेंस में क्या नहीं कर सकते, और एक क्वेश्चन विदाउट ए वर्ब, और किसी सेंटेंस और क्वेश्चन को विदाउट वर्ब के नहीं बना सकते। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट, ये कैसे मुख्य है, दीज एक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच आर, क्योंकि इसमें जो एक्शन पार्ट होता है वो स्पीच मतलब बोलने वाला होता है। तो मीन्स बच्चों, हमें पता लगेगा कि क्वेश्चन या सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, तभी हम उस सेंटेंस और क्वेश्चन को कम्प्लीट रीड कर पाएंगे, कम्प्लीट समझ पाएंगे। द वर्ब सिंगल्स एंड एक्शन, क्रिया में एक सिंगल एक्शन, एक सिंगल कार्य भी हो सकता है जो काम कर रहा है, एन अकर्स, कोई घटना हो गई, कोई कार्य हो गया, और स्टेट ऑफ बींग्स, और कोई स्थिति के बारे में बताना हो गया। वेदेवर मेंटल, फिजिकल्स, मानसिक, शारीरिक और मैकेनिकल, वर्ब ऑलवेज एक्सप्रेस एक्टिविटी। ये हमें क्या बताती हैं, किसी भी एक्टिविटी के बारे में बताती हैं। फिजिकल्स वर्ब, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, रीड द फ्लोइंग सेंटेंस। फर्स्ट, आई हियर द डॉग बार्किंग। फिजिकल, शारीरिक हम सुन रहे हैं, मैं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुन रहा हूँ। सुनना एक शारीरिक क्रिया है। नेक्स्ट, द फार्मर प्लांटेड वीट इन द फील्ड, किसान ने खेत में गेहूँ के पौधे लगाए, प्लांटेड गेहूँ को बोया। एन एप्पल इज कैप्ट ऑन द टेबल, सेव टेबल पे रखा हुआ है। शी वॉज शाउटिंग इन द क्लास, वह कक्षा में शोर मचा रही थी। मोहन वॉज रनिंग राउंड द चेयर्स, मोहन चेयर के चारों तरफ दौड़ रहा था। द वर्ड्स हियर, प्लांटेड, कैप्ट, शाउटिंग, रनिंग आर वर्ब, सुनना, पौधे लगाना, रखना, चिल्लाना, दौड़ना, जिसमें किसी कार्य को करना या होना होता है, डू एनी एक्शन। क्वेश्चन नंबर डी है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस। बच्चों, इस सेंटेंस में आपने वर्ब को अंडरलाइन करना है। सेंटेंस नंबर फर्स्ट इज द लिटिल गर्ल फेल एजलिप इन द क्लास, छोटी बच्ची फेल एजलिप, गिरकर सो गई क्लास में। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एज फेल एजलिप इज हेयर वर्ब। सेकेंड इज, आई रोट एन आर्टिकल दिस मॉर्निंग, मैंने मॉर्निंग में ही इसके बारे में लिखा, उपाख्या के उपकरण के बारे में लिखा, आर्टिकल उपकरण किसी व्याख्यान के बारे में, तो रोट लिखा, वर्ब यहाँ पे क्या है बच्चों, रोट। माई सिस्टर टीच इन ए प्राइमरी स्कूल, मेरी बहन प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है, तो क्या करती है वो, टीच, टीच इज हेयर वर्ब। ही वॉज शाउटिंग इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम में चिल्ला रहा था, तो शाउटिंग इज हेयर वर्ब। ही थैंक द किंग फॉर काइंडनेस एंड हेल्प, उसने राजा को धन्यवाद दिया, फॉर काइंडनेस एंड हेल्प, उसकी दयालुता और मदद के लिए, तो थैंक्ड हेयर इज वर्ब।